नमस्कार दोस्तों, मैं मधु झारखंड के व्यंजन चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम बनाने जा रहे हैं करेले की सब्जी। इसके लिए हमें चाहिए करेला, टमाटर, प्याज, तेल, हल्दी, नमक और धनिया पाउडर। हमें तीनों चीज़ यानी कि करेला, टमाटर और प्याज बराबर मात्रा में लेनी है। अब यहाँ कढ़ाई पर तेल गर्म हो चुका है, इसमें हम लोग प्याज और करेले को डालेंगे। मैंने प्याज और करेले को एक साथ कढ़ाई में डाल दिया। अब हम इसमें करेले और प्याज के साथ नमक और हल्दी डालेंगे। आधा चम्मच हल्दी और स्वादानुसार नमक। इनको हम ब्राउन होने तक भूनेंगे। अब हमारा करेला और प्याज भून करके ब्राउन हो गया है। अब इसमें हम डालेंगे एक चम्मच धनिया पाउडर और जो टमाटर हमने काट कर रखे हैं उसे डाल देंगे और फिर इसे ढक करके 4 से 5 मिनट भूनेंगे धीमी आंच पर। इसको ढके हुए लगभग 5 मिनट हो चुके हैं। अब इसका ढक्कन हटाएंगे। देखिए ऐसा दिखाई दे रहा है। अब इसे हमें इसी कलछी की मदद से चूर करना है। अब हमारे ये करेले की सब्जी सर्व करने के लिए तैयार है। चलिए अब हम इसे सर्व करते हैं। हमारी करेले की सब्जी बनकर तैयार है। तो फ्रेंड्स, इसे बनाएं, टेस्ट करें, पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।